खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा चुनाव में यूं तो बड़े दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन चर्चा हो रही है मेवात की 26 साल की एक बिटिया की, जिसे बीजेपी ने मेवात के पुनहाना सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बेटी का नाम है नौक्षम चौधरी। 10 भाषाओं में सिद्धस्थ, 3 विषयों में ट्रिपल एमए, सौम्य और सुंदर, ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो नौक्षम को बाकियों से अलग बना देती हैं। कहा जा रहा है कि नौक्षम विदेश में 1 करोड़ रुपए की सैलरी छोड़कर देश सेवा के लिए भारत लौटी हैं। नौक्षम से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही ने। हरियाणा में बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे लोगों को वोट दिया जो नाम चौंकाने वाले हैं। बबीता, जो महिला कुश्ती में जिन्होंने नाम कमाया है, योगेश्वर दत्त पहलवान, संदीप सिंह हॉकी के खिलाड़ी, ऐसा ही एक नाम पुनहाना विधानसभा सीट से है नौक्षम चौधरी का। तो राजनीति में आना क्यों चाहा आपने? राजनीति में आना जी, पहली बात तो राजनीति पहला मेरा मुद्दा नहीं था। मैं अगर विदेश से लौटी हूँ तो एक ही एक मुद्दा लेके लौटी थी कि मैंने अपने लोगों का विकास करना है हर हाल में। उस पे मैंने सोचा कि एक आपका सरकार में हिस्सा हो तो आप बड़े मुकम्मल तरीके से अपने लोगों का विकास कर सकते हैं, तो इसलिए राजनीति में आने का। इसके लिए बीजेपी को क्यों चुना? क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं इस सरकार की, उनसे मैं इतनी प्रभावित थी। जब मैं विदेश में थी तब भी इतनी प्रभावित थी, तो इतनी मैं प्रभावित थी कि उसी की वजह से योजनाओं से, विकास के कारणों के तरीकों से, जिस किस्म से श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा देश का नेतृत्व किया है, उन्हीं के नेतृत्व में जिस किस्म से श्री मनोहर लाल खट्टर जी इस प्रदेश का नेतृत्व किया है और विकास की अपूर्ण लहर जो चलाई है, उन्हीं से प्रभावित होकर भाजपा सरकार से। जहां से आप खड़ी हुई हैं वहां से बीजेपी में रईस खान चले गए थे जो निर्दलीय थे, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, वो अभी बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, 80% से ज़्यादा यहाँ मुसलमान हैं, तो आपको अपनी राजनीतिक जमीन कहाँ दिखती है? देखिए जी, इस वक्त ये एक सामाजिक चुनाव है, ये एक ऐसा चुनाव है जहाँ हिंदू और मुस्लिम, उसकी वजह है कि ये बदलाव चाहते हैं। 75 सालों से इन्होंने नुमाइंदे देखे भी हैं, उनको आजमाया भी है। ये एक चुनाव ऐसा रहेगा जी जिसमें एकत्रित होकर आम आवाम और जनता ये चुनाव लड़ेगी। मुश्किल सीट आपने चुनी या आपको दी गई? मेरा पैतृक गांव है जी पेमा, जो पुनहाना में आता है, तो चुनाव तो ऊपर से होके आया था। अपने हल्के में आई हूँ, अपने इलाके में आई हूँ, अपने लोगों के बीच में। 26 साल उम्र है आपकी, आपसे लग रहा था जैसे 27 साल, ऐसा लग रहा था कि 25 पूरा होने का इंतजार कर रही थी जी। ऐसा जब मौका मिलता है, जब रास्ते बनते हैं, और जब मुझे लगा कि आज मुझे अपने हल्के में वापस आना चाहिए, अपने लोगों के बीच रहना चाहिए, अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, विकास की तरफ जाना चाहिए, इनके मुद्दे हर मसाइल को विधानसभा में उठाना चाहती हूँ। आपके पिताजी जज रहे, आपकी मदर आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी इस प्रोफेशन के बहाने सेवा समाज की करती रहीं, आप भी खुद जॉब कर रही थी, तो आपको क्यों लगा कि राजनीति में रहकर ही जनता की सेवा की जा सकती है, वैसे नहीं की? जी मान लिया आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं, स्कूल के लिए क्या करेंगे? जमीन लेंगे, जमीन के बाद फिर आप सरकार के पास जाएंगे, आज आपको इस चीज़ की एनओसी चाहिए, आज आपको क्यों ना आप सरकार में हिस्सा रख के बड़े बेशुमार तरीके से अपने लोगों का विकास करें। लंदन में 1 करोड़ की जॉब करी थी हमने सुना है, तो किस तरह की जॉब की? जी मैंने पब्लिक रिलेशंस में काम किया है। 10 भाषाएं? लगभग, काफ़ी हैं जी लगभग। जैसे 1-2 भाषाएं बताइए। जी मेरा उर्दू पे कमांड बहुत अच्छा है, पंजाबी पे कमांड है, इटालियन है, फ्रेंच थोड़ी बहुत, काफ़ी ऐसे। इसमें अगर फ्रेंच भी आप बता रही हैं? थोड़ी थोड़ी, हर किसी में। सबसे मुकम्मल जो मेरी भाषा है मेवाती है, और उसको हाँ मैं उस पर तो आऊँगा आपने, लेकिन मैं चाह रहा था कि जैसे फ्रेंच भाषा में आप को ये कहना हो कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, मैं आप लोगों के क्षेत्र का विकास करूंगी, तो क्या फ्रेंच में क्यों बोलूंगी? नहीं, सिर्फ मेवाती में बोलूंगी। वोट देना है लाली ने देना है, कहीं और मुड़के ना दे देना। जिस इलाके में आपने खड़ी हो रही है मेवात के, पिछले 5 साल में हमने देखा है कि गोरक्षकों के नाम पे गुंडागर्दी भी हुई है, हमने ये भी देखा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना, इस नाम पे भी कोई हिंदुत्व को उभारने की कोशिश हुई है, जहां गाये बगाये सरकार का भी कहीं ना कहीं संरक्षण सहयोग मिलता रहा है, प्रशासन की तरफ से गोमांस
के आरोप में बहुत सारी छापे और इस तरह की कार्रवाइयां भी बहुत हुई हैं। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में आप बीजेपी के लिए, कमल के लिए कितना? देखिए जी, ये मुझे लगता है पहली दफा हो रहा है कि जो इस इलाके के लोग हैं ना, वो भाजपा सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने कई सरकारों की हुकूमतें रहीं और जो विकास और जिस किस्म का एक समीकरण भाजपा सरकार बना सकी वो कोई और सरकार नहीं बना सकी। यहाँ तो समीकरण थोड़े सांप्रदायिक समीकरण थोड़े कहीं ना कहीं बिगड़े हैं, ऐसा आरोप बिगड़े हैं, पर इस बार जरूर कमल खिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोग भाजपा सरकार से जुड़ भी रहे हैं और कमल का फूल मेरे को लगता है 75 पार से भी ऊपर जाएगा और यहाँ तो अवश्य खिलेगा तीनों विधानसभाओं में। जो लोग इतने दुखी हैं यहाँ पे खासतौर से गोरक्षकों के उत्पाद के कारण, उनको आप कैसे विश्वास में लेंगे? विश्वास में ऐसे है जी कि इस सरकार ने गौ रक्षा के लिए बहुत काम किया है और जिनको हो सकता है कुछ एक वर्ग को मायूसी रही हो, पर उस वर्ग को भी टैकल करने के लिए इस सरकार ने कई तरीकों के नियम लागू किए हैं। नियम के साथ साथ उन नियमों को इतना सख्त तौर पे लागू किया है कि गौ रक्षा को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है इस सरकार, और ये सरकार तो देगी, सरकार तो बहुत महत्व समझती है, हर मजहब के नियमों को महत्व समझती है, तो मुझे लगता है बखूबी चलेंगे। नीति आयोग का कहना है कि मेवात हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है और इसमें भी महिलाओं की स्थिति और खराब है, तो आपका उनके प्रति क्या रवैया रहेगा अगर आप चुनाव जीत जाती हैं पार्टी की फिर से? मेरा तो ऐसा है जी, सबसे पहले शिक्षा, ये इलाका शिक्षा से वंचित है, आज तक यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, लोगों को ये नहीं पता डिग्री क्या होती है, डिग्री लेने के लिए किसी और जगह जाना पड़ता है, तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी मेरा मुद्दा है कि महफूजगी रहे, महिलाओं को अलग कॉलेज मिले, अलग स्कूल मिले, ताकि जो माँ बाप हैं वो एक बार सोचे ना कि अपनी बच्चियों को पढ़ाने में, जिस वक्त महिलाएं शिक्षित होगी स्वलंबित अपने आप हो जाएंगी, तो महिलाओं के लिए भी और जो यहाँ का युवा है बहुत काबिल है, उनको सिर्फ एक रास्ता नहीं मिल रहा है, एक नई उम्मीद नहीं मिल रही है, दिशा और दशा की कमी है, वो इस क्षेत्र का इस किस्म से विकास करेंगे कि कई प्रकार की जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट स्किल्स यहाँ उत्पन्न होंगी। आप चुनाव अगर जीत गई, मनोहर लाल खट्टर साहब की फिर सरकार बन गई, तो एज एन विधायक आप जनता की ज्यादा सेवा कर पाएंगी या एज एन मंत्री? वो तो आने वाला वक्त बताएगा, जैसे हाई कमांड का आदेश। वोट कैसे मांगेंगी मेवाती भाषा में? हाँ भाई, लाली ने वोट देना है, कहीं और ना दे देना, लाली ने देना है, इंशाल्लाह पार जाएंगे। तो ये थी नौशम चौधरी जो कह रही है कि इंशाल्लाह पार जाएंगे। अब देखना होगा 24 अक्टूबर को कि क्या स्थिति रहती है।